तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है देवा सिलोनिया और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन फ्री में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। ये बिल्कुल आसान एक सॉफ्टवेयर है, आज मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंदर उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये काफ़ी सिंपल सॉफ्टवेयर है। मैं इससे पहले जो अब मेरा ए पावर सॉफ्टवेयर है ये मैं यूज़ करता था, लेकिन इसके अंदर मेरा वाटरमार्क आता है। अभी मैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए, तो वो भी मैं ए पावर से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम ए पावर का जो है यहाँ पे लोगो आता है। अब मैं उस लोगो को रिमूव करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर मैंने ढूंढा है, आज आप लोगों को उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है IOBIT के नाम से सॉफ्टवेयर है जो ये नीचे आ गया है। तो IOBIT जो सॉफ्टवेयर है आपको ये डाउनलोड कर लेना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी ये बीटा वर्जन में है और इसको अगर आप रिकॉर्ड डाउनलोड करके यूज़ करोगे तो इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस हैं जो आपके अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सारे ऑप्शंस आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप इसको कितना भी टाइम तक चाहो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर लिमिट होती है कि आप उसको 5 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड ऐसे यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको उसके लिए उसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। अभी हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद हम अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में इसका बता देता हूं, जिसके बाद आप इसको यूज कर सकोगे और आपको आसानी से सारी चीजें देखने को मिलेंगी और आप बिना वाटरमार्क के इसको यूज कर पाओगे। तो अभी मेरा ये डाउनलोड हो गया है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंस्टॉल करने का भी इसका बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, कोई ज्यादा डाटा वगैरह नहीं डालना पड़ता। तो अभी ये मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, तो मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके इसको अपने जहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अभी इसको अपना जो ये आइकन डेस्कटॉप पे क्रिएट करके और पिन टू टास्क बार कर देता हूँ, तो अभी मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इसके अलावा भी आप कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के जो आप यूज़ कर सकते हो, और वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारों की, आप वो उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कैसे उनको यूज़ कर सकते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा आप चैनल पर जाके भी उनको चेक कर सकते हो। तो मेरा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, तो अभी हमारा इस सॉफ्टवेयर का ये इंटरफेस आ गया। इसके अंदर ये मुझे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा है। स्टेप वन में बता रहा है क्लिक टू सेलेक्ट द रीजन टू रिकॉर्ड, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ये आपका स्पीकर्स, माइक, माउस, जो जो आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है, माइक यूज़ करना है नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करके रिकॉर्ड करना है, इसको शुरू कर देना है। उसके बाद फिर आगे एक बार इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स मिलेंगी, लोड ऑटोमेटिकली एट विंडो स्टार्टअप, विंडो स्टार्टअप के जब विंडो आप शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। ऑन सिस्टम ट्रे के अंदर, जो यहाँ पे हमारी सिस्टम ट्रे है इसके अंदर ये बंद करने के बाद भी चलता रहे, ये इसके बारे में है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे नीचे कुछ रिकॉर्ड से रिलेटेड इसके कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि कहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड करना है। तो आप ये आप अपना लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पे सेव हो। उसके बाद रिकॉर्ड स्पीकर रिकॉर्ड करने हैं जो कंप्यूटर के, उसके अलावा माइक्रोफोन आपको जो आप माइक्रोफोन लगाओगे आपको यूज करना है कि नहीं करना है, उसके अलावा जो हाईलाइट है इफेक्ट है वो यूज करने हैं, जो क्लिक एनिमेशन है जहाँ से आप क्लिक करोगे तो उसका जो एनिमेशन है वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो जब ये रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो उस टाइम पे इसका काउंटडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे ए पावर जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में 3 2 1 करके आता है, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। और जो फ्लोटिंग टूल बार है वो आपको शो करना है नहीं करना है। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे वीडियो का जो फॉर्मेट है हम फॉर्मेट पे आ गए, पहले हम जर्नल पे थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग की क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, उसके बाद फॉर्मेट में आपको साइज जो है ओरिजिनल साइज रखना है या 4K में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, फुल HD HD SD जो भी आपको करनी है। उसके अलावा फॉर्मेट जो है वो MP4 AVI FLV MKV MOV जो भी आपको रखना है फॉर्मेट आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप फ्रेम रेट भी इसका चेंज कर सकते हो, 60 FPS तक जो भी आप फ्रेम रखना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो, वैसे 30 FPS एक नॉर्मल फ्रेम रहता है आपको वही रखना चाहिए और आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। और बिट रेट भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस बिट रेट में वीडियो बनानी है, और क्वालिटी वीडियो की क्या रखनी है, स्टैंडर्ड रखनी है, ओरिजिनल रखनी है, HD रखनी है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद होट की में आपको ये बताता है कि आपको होट की जो है अभी आपने किसे, पहले मैं आपको बताऊँ स्क्रीनशॉट आपको किस फॉर्मेट में लेना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, JPG PNG BMP में जिसमें भी लेना है। उसके अलावा जो होट की है वो आप अपनी
चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ और होट की यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, और अदरवाइज इन्होंने होट की ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि किस होट की से क्या होगा, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके ऊपर होट की याद आती है कि कौन कौन सी होट की से क्या होगा, F9 से रिकॉर्ड होगा, F10 से पॉज होगा और F11 से स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बार रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या क्या यहाँ से फुल स्क्रीन के अलावा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी विंडो सेलेक्ट करके कितना यूज करना है, या कोई एरिया आपको पर्टिकुलर यूज करना है, या फिर फॉर्मेट जो है वो यूज करने हैं। जिसमें भी आपको रिकॉर्ड करना है आपको सिंपली यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है 3, 2, 1 करके, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी आप यूज कर रहे हो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, और ये सारा का सारा आपका जो रिकॉर्ड रहे वो यूज होगा जो जो आप चीजें रिकॉर्ड करोगे। जो आपकी रिकॉर्डिंग हो शुरू हो गई, यहाँ से आप अगर चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करने के बाद ये आपका दिखाई नहीं देगा, आप उसके बाद इसको सिंपली यूज करो, जो भी आपको काम करना है अपने कंप्यूटर के अंदर आप वो यूज कीजिए। उसके बाद जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो आपको यहाँ पे जाके सिंपली इस पे क्लिक करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। थैंक यू फॉर चूजिंग ओबिट, प्लीज टेक ए फ्यू सेकेंड टू चूज योर आंसर, व्हाट डू यू यूजुअली यूज स्क्रीन रिकॉर्डर टू डू, कि क्या करने के लिए आप इसको यूज करते हो, रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस, रिकॉर्ड ऑनलाइन कॉल, मेक ट्यूटोरियल वीडियो, मेक गेमिंग व्लॉग्स, रिकॉर्ड म्यूजिक, जो भी आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो सिलेक्ट कर देता हूँ, डन हो गया। उसके बाद ये आप आपका ये इंटरफेस आ गया जिसके अंदर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको अभी एक बार चला के दिखा देता हूँ 3, 2, 1 करके, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी आप यूज कर रहे हो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, और ये सारा का सारा आपका जो रिकॉर्डर है वो यूज होगा जो जो आप चीजें रिकॉर्ड करोगे। जो आपकी रिकॉर्डिंग हो शुरू हो गई, यहाँ से आप अगर चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसके आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई वाटरमार्क नहीं है, जो भी मैं आपको तो अभी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ इसके अंदर कोई वाटरमार्क नहीं है, और ये 57 सेकंड की जो वीडियो है ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, और ये सिर्फ 3.1 MB की वीडियो बनी है जो मैंने 57 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करी है। और इस सॉफ्टवेयर का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो डाउनलोड करके, और ये आपके कंप्यूटर के लिए बहुत सही रहेगा। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ 24 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कीजिए जाके और यूज कीजिए, क्योंकि मैं पहले ए पावर यूज करता था लेकिन अब मैंने बाद में जब इस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना और देखा तो मैंने अभी ये यूज किया है, तो मेरे को ये काफी सही लगा सॉफ्टवेयर, और अब आगे से मैं सिर्फ IOBIT ही यूज करूंगा, और ये बिल्कुल सिंपल है, इसका कंप्यूटर के प्रोसेसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। और अगर ऐसा ही कोई सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम कैंडल है, वहाँ पे जाके आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।